नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गीक समय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने बायोस को कैसे रिसेट कर सकते हो। जो बायोस है उसको रिसेट करने के लिए आप ऑब्वियसली बायोस के सेटिंग्स में जाओगे। वहां पे जाने के बाद आप वहां पे रिस्टोर डिफॉल्ट्स करोगे या फिर रिसेट सेटिंग करोगे, इस तरह का कुछ करोगे। पर अगर आपका बायोस ओपन ही ना हो, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ऐसा कुछ कर रखा है सिस्टम में, जैसे कि आपने ओवरक्लॉक किया है या फिर सिस्टम में जो सेटिंग्स है उनमें आपने कुछ चेंजेस किया है, और उससे चेंजेस करने की वजह से आपका सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है, आपका जो कंप्यूटर है ऑन नहीं हो रहा है। मतलब ऑन तो हो गया पर वो अनस्टेबल है, ऑन हो गया इमीडिएटली ऑफ हो जाता है। तो इस टाइम पर आप क्या करोगे? इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि आपने बायोस में पासवर्ड दिया है, बायोस हो या फिर UEFI हो, कुछ भी हो, पर आपने वहाँ पर पासवर्ड दिया है। जब तक आप उस बायोस में या फिर UEFI में पासवर्ड एंटर नहीं करोगे, तब तक आप सिस्टम में आगे नहीं बढ़ सकते, मतलब आपका विंडोज़ लोड ही नहीं होगा। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिस तरीके को यूज़ करके आप अपने बायोस को रिसेट कर सकते हो बिना बायोस में घुसे। मतलब आपको बायोस में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका सिस्टम में जो बायोस है ऑटोमेटिकली रिसेट हो जाएगा, और ये रिसेट होने की वजह से आपका जो सेटिंग्स है वो सब कुछ रिस्टोर डिफॉल्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो पासवर्ड है वो भी मिट जाएगा। बड़े ही आसानी से आप ये काम कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम कैसे अपने बायोस को अपने डिफॉल्ट सेटिंग्स में ले जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर में बायोस को या फिर सीमोस को रिसेट करने के लिए आपको ऐसे 3 पिंस को लोकेट करना होगा। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, जैसे कि कोई इस पिन को बोलता है क्लियर, किसी मैन्युफैक्चरर इसको बोलता है क्लियर सीमोस, किसी में लिखा हुआ होता है GCMOS 1, किसी में लिखा हुआ रहता है CLR, किसी में लिखा हुआ रहता है CLR WD, किसी में लिखा हुआ रहता है PASSWD, किसी में लिखा हुआ रहता है CLRTC। तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग नाम है इसके, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो इस पिन का इन्फॉर्मेशन आपको मदरबोर्ड के मैनुअल में मिल जाएगा, तो थोड़ा सा मैनुअल भी पढ़ लिया कीजिए तो आपको जानकारी भी ज़्यादा अच्छी तरह से होगी। एनीवे, चलिए देखते हैं कि सीमोस को कैसे रिसेट किया जाए। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा सिस्टम में पासवर्ड लगा हुआ है जो कि बायोस का पासवर्ड है, और मैं इसका जो पासवर्ड है वो भूल चुका हूँ। आपके केस में बायोस का सेटिंग भी हो सकता है, शायद आपने अपने कंप्यूटर में ऐसा कुछ सेटिंग कर दिया है बायोस में जिस वजह से आपका कंप्यूटर बूट ही नहीं हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है, और बूटिंग के दौरान वो बार बार रिस्टार्ट कर रहा है। तो इस टाइम पे भी इस प्रोसीड्यूर की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कंप्यूटर को शट डाउन करना होगा। शट डाउन करने के बाद SMPS से पावर कॉर्ड को आपको निकालना होगा, पावर कॉर्ड को बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दीजिए सिस्टम से। उसके बाद आपको अपने कैबिनेट को ऑब्वियसली खोलना है, मेरे केस में तो कैबिनेट है ही नहीं, मैं ऐसे मदरबोर्ड को ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको कैबिनेट खोलना होगा, उसके बाद आपको सीमोस जम्पर इसको लोकेट करना होगा अपने मदरबोर्ड में। तो सीमोस जम्पर का अलग अलग नाम है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, उन नाम के हिसाब से आपको ढूंढना होगा। अगर ये नाम होता है तो अच्छा है, वरना मदरबोर्ड के मैनुअल में देख लीजिए, तो वहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि ये जम्पर आखिर है कहाँ पे। नॉर्मली ये जो जम्पर है ये रहता है सीमोस बैटरी के आसपास, पर मेरे केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो सीमोस बैटरी है वो एक तरफ है और जो जम्पर है वो दूसरी तरफ है, तो ये मदरबोर्ड टू मदरबोर्ड वेरी कर सकता है। एनीवे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जम्पर का पिंस है। तो करना क्या होगा कि नॉर्मल केस में जो जम्पर का जो पिंस है वो पिन 1 और पिन 2 शॉर्ट रहता है नॉर्मली। आपको क्या करना है कि कंप्यूटर को शट डाउन तो आपने पहले ही कर लिया है, पावर कॉर्ड को भी निकाल दिया है, अब करना क्या होगा कि जो जम्पर है इसको निकाल के आपको 2 और 3 को शॉर्ट करना है, मतलब पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 को आपको शॉर्ट करना है। बहुत ही आसान है, जम्पर को निकालिए पिन 1 और पिन 2 से, और आपको शॉर्ट करना है पिन 2 और पिन 3 को। तो इस कंडीशन में आपको 20 सेकंड तक रखना है जैसा है, मतलब पिन 2 और पिन 3 को शॉर्ट करके आपने आपके मदरबोर्ड को 20 सेकंड्स के लिए रखना है। इस टाइम के दौरान आपको पावर कॉर्ड कनेक्ट नहीं करना है, बहुत ध्यान दीजिए, पावर कॉर्ड कनेक्ट नहीं करना है। उसके बाद जम्पर को अपने पहले पोजीशन में
रख देना है, जैसे था मतलब पिन वन और पिन टू जैसे शॉर्ट था पहले, उसी कंडीशन में आपको रख देना है। अब आपको क्या करना होगा, अपने कंप्यूटर में पावर कॉर्ड को कनेक्ट करना होगा और सिस्टम को ऑन करना होगा। अब सिस्टम जब आप ऑन करोगे तो आपका जो बायोस है वो ऑलरेडी रिसेट हो चुका है। तो इस टाइम पे आप अपने मन की तसल्ली के लिए एक बार बायोस पे एंटर हो जाइए और वहाँ पे जाके जो भी सेटिंग्स है उनको डिफॉल्ट सेटिंग में सेट कर दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। बिल्कुल इस तरह से आपको सब कुछ डिफॉल्ट सेटिंग में सेट करना है। अब आपको बायोस को सेव करना है, और अगर आप पासवर्ड भूल चुके हो इस तरह का अगर कुछ केस है तो आपको क्या करना है कि जो पासवर्ड्स है उनका एरिया को ब्लैंक कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आपको पासवर्ड का जो एरिया है इनको ब्लैंक करके आपको सेव करना है बायोस को। सेव कैसे करोगे, नॉर्मली F10 दबा देने से बायोस सेव हो जाता है, और UEFI की केस में ये अलग अलग हो सकता है, मदरबोर्ड टू मदरबोर्ड ये वेरी कर सकता है। कैसे सेव करना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें उस UEFI में या फिर बायोस में लिखा हुआ रहता है साइड में। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि मेरा जो ये सिस्टम है यहाँ पे कोई भी हार्ड ड्राइव नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं यहाँ पे सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पे हार्ड ड्राइव की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपके केस में ज़रूर हार्ड ड्राइव रहेगा। यहाँ पे हार्ड ड्राइव नहीं है, ये कोई भी सिस्टम में बाधाएं क्रिएट नहीं करने वाली। सिर्फ विंडोज़ लोड नहीं होगा, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होगा, पर बायोस का जैसा काम है वो तो यहाँ पे आराम से हो ही जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग आप मुझसे सवाल मत कीजिएगा कि यहाँ पे हार्ड डिस्क नहीं है फिर भी आप कैसे चला रहे हो, इस तरह के सवाल आप मत कीजिएगा, ठीक है। तो बस आपका सिस्टम रेडी हो गया, कोई भी इशू नहीं रहा, यहाँ पे आपका बायोस रिसेट हो चुका है, अगर आपने पासवर्ड दिया था पासवर्ड भी रिसेट हो चुका है, बिल्कुल नया जैसा आपको मदरबोर्ड मिल चुका है। तो आपके मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हो, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि अगर आपने वो प्रॉब्लम खुद क्रिएट नहीं किया है बायोस के सेटिंग से, तो मैं गारंटी आपको नहीं दे सकता कि आपका मदरबोर्ड सही हो जाएगा, पर बहुत सारे केस में हो भी जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मैंने जो भी समझाया जो भी बताया आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके पास जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ज़रूर टैप कर देना। इससे ये होगा था कि जब मैं कोई नए वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, क्योंकि मैं इसी तरह की टेक्निकल वीडियोज़ लेकर अपने चैनल में रोज आता रहता हूँ। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करता हूँ, देखने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।